जिला संगरूर का एक राज्य स्तर का कबड्डी खिलाड़ी बलकार सिंह ढिल्लो को आज रहस्यमय ढंग से मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि नशे की ओवरडोज के चलते इसकी मौत हुई है। पंजाब में होने वाले कबड्डी टूर्नामेंटों में अपने जोर की धाक जमाने वाला जिला संगरूर के रुफेहड़ी गांव का 26 साल का गबरू नौजवान बलकार सिंह ढिल्लो आज इस दुनिया में नहीं रहा। जब यह खबर फैली तो ना सिर्फ उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा बल्कि कबड्डी खिलाड़ियों में भी मायूसी फैल गई। संगरूर से जगतार बाबा की रिपोर्ट। नहीं ओ मैनू याद नहीं नाम, मैं भी किसी का नाम ले ला ठीक। पर ओ पिंड च भी सी पर सब कुछ नशे करके होया, सब कुछ नशे करके होया। ओवरडोज करके मैनू नहीं पता, मैनू सिरे दसिया ना कि उन्होंने इंजेक्शन लाया, फिर वह नशा ही होगा ना, और की होगा और की होगा होगा, पर ओ सारा कुछ खत्म करके चला गया। दर्शन कराचो जी कबड्डी कोच दर्शन सिंह जी, मैं पूछना चाहना है खिलाड़ी का की नाम से बलकार सिंह, कितना चिर थोड़े को रहा पूरी गल विस्तार नाल दसो कैसा खिलाड़ी? मेरे को 2-3 साल रहा जी, बहुत वधिया प्लेयर रहा जी, बहुत तगड़ा प्लेयर है जी, साडे इलाके नूं बहुत घाटा पिया जी, नवा मुंडा सी, बहुत तगड़ा प्लेयर जी, मेरे को अकैडमी च भी रहा जी। कित्थे कित्थे खेल के आए? ये अपनी अकैडमी गगनपुर अकैडमी जी। कितने कितने खेल ये जी? पंजाब के लोकल सारे टूरनामेंट खेलता जी, कई बार इन्हें मोटरसाइकिल जीते ने, एलईडियां जीतियां ने, भी बहुत टॉप का प्लेयर है जी। वर्ल्ड कप नहीं, वर्ल्ड कप नहीं खेडा जी, उदा चैंपियनशिप खेडा, बहुत ही जिले के मैच खेडा जी। किस चीज़ से माहिर है? ये रेडर से जी। अच्छा जी, कितनी उम्र का जी? इन्हें जी 26-27 साल उम्र हो जी। बेटे का की नाम? बलकार सिंह। अवतार जी, की तुहाडे परिवार नूं दुखद हादसा वापरिया हैगा? बहुत हादसा जी, पहला तो मेरे घर वाली गुजरी हुई है, मैं तो पहले ही दुखी थी, मैं तो उरे आए तो पता लग्या भी पता नहीं कितने हेडे गया, कितों मैं लै के आया कोई, मैंने तो इन्होंने उरे तड़के बुलाया 9-10 बजे, मैं तो उरे आया, उरे आए तो उदो पूरा मंगता ही है जी, गरीब बन देंगे, पहले ही मारे खड़े जी। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜੀ? ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ? 2 ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੀ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫਰੈਂਡ ਹੈ? ਕੌਣ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜੀ? ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਰੈਂਡ ਹੈ? ਉਹ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੁੰਡਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਆਪ ਉੱਧਰ ਆਪ ਹੀ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ? ਆ ਹੁਣ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਦੇ ਹਰ ਵਕਤ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਲਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਰੁਕਾ ਮਹਿਸੂਲ ਹੋਇਆ ਸਿਟੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਵੀ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਿੰਡ ਰੂਪਾਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਾਇਆ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਿਓ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਿਆ
पर सानू किसी कोई शक सोभा कोई नहीं है। ओके बयान के हिसाब न ही 174 की कार्रवाई की है। नशे की ओवरडोज भी कोई नहीं, नशे बारे कुछ नहीं दसिया जी, वो बाकी डॉक्टर साहब फोटो तो बाद पता लग जूगा। हाँ सानू नशे बारे कुछ नहीं पता, जो मैं हम डेड बॉडी देखनी है। अच्छा हाँ ये बारे आप नहीं कह सकते, सानू जो उन्हें दिखाया भी बयान के आधार से कार्रवाई कर। पत्नी ने सू सर मेरे को नहीं आई अजे तक, ना ही अपन को पता।